अच्छे थॉट्स और अच्छे एक्शन कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते। बुरे थॉट्स और बुरे एक्शंस कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। डाइट में बदलाव उस इंसान को मदद नहीं करेगा जो अपने थॉट्स को नहीं बदलता है। जो भी कुछ इंसान अचीव करता है और जो कुछ भी वो अचीव करने में फेल होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट है उसके थॉट का। हैबिट्स पहले थॉट्स में हैं, बाद में एक्शन में। थॉट्स को बुरे से अच्छा करो और एक्शंस अपने आप फॉलो करेंगे। कोई भी इंसान ग्रेविटेशन के लॉ को नहीं बदल सकता, लेकिन वो सब अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आई है। आपने काफी सारी जगह सुना होगा कि बाय वन एंड गेट वन फ्री, लेकिन यहाँ पर आज हम आपको दे रहे हैं बाय वन गेट थ्री फ्री। हम यहाँ पर कुछ बेच नहीं रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जेम्स एलन की चार ब्लॉकबस्टर बुक्स को एक साथ बताया गया है। इस बुक का नाम है बी योर ओन सनशाइन, और वो चारों बुक्स हैं एज अ मैन थिंकेथ, फ्रॉम पैशन टू पीस, मैन किंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस, फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक एज अ मैन थिंकेथ के बारे में, हमारे थॉट्स और कैरेक्टर। एक इंसान वो है जो सोचता है, उसका कैरेक्टर उसके सभी थॉट के साथ मिलकर बनता है। जैसे एक पेड़ बीज से निकलता है, तो इंसान का हर एक एक्ट थॉट्स के छुपे हुए बीज से निकलता है, और ये एक्ट बिना थॉट्स के पॉसिबल ही नहीं है। ये उन एक्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है जिन्हें स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। एक्ट थॉट्स का ब्लॉसम है और खुशी और सफरिंग इसके फ्रूट हैं। तो इंसान अपने गार्डन में फूल खुद उगाता है। एक नोबल और भगवान जैसा कैरेक्टर कोई फेवर या चांस का मैटर नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंटली सही सोचने का रिजल्ट है। उसी तरीके से एक बुरा कैरेक्टर बुरे थॉट्स का रिजल्ट है। सही चॉइस और सही थॉट से इंसान डिवाइन परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और थॉट्स के गलत एप्लीकेशन से वो राक्षस से भी नीचे गिर जाता है। एक इंसान ताकत, इंटेलिजेंस और प्यार से भरा और अपने थॉट्स का भगवान है, इसलिए उसके पास हर एक सिचुएशन की चाबी होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे वो अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। अब जानते हैं हमारे थॉट्स का हमारे सर्कमस्टेंसेस पर क्या असर पड़ता है। इंसान का दिमाग एक गार्डन जैसा है जिसे इंटेलिजेंटली उगाया भी जा सकता है या जंगली बनने के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो भी हो, फायदा या नुकसान तो इंसान का ही है। अगर कोई भी काम के बीज दिमाग में नहीं डाले गए हैं तो बहुत सारे यूजलेस वीड्स वहां पर अपने आप उग जाएंगे और अपने जैसे और प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक गार्डनर अपने प्लॉट को उगाता है, उसे सारे वीड से दूर रखता है और अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाता है, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में से सारे गंदे वीड्स यानी कि इम्प्योर थॉट्स निकालने होंगे और फ्लावर और फ्रूट्स यानी कि प्योर थॉट्स उगाने होंगे। ऐसा करके आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी आत्मा का मास्टर गार्डनर है और अपनी जिंदगी का डायरेक्टर है। इंसान तब तक अपनी हालत में उलझा रहता है जब तक वो ये मानता है कि वो बाहरी कंडीशन का क्रिएचर है, लेकिन जब वो ये रियलाइज करता है कि उसके पास सारी क्रिएटिव पावर है और वो अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करता है, तो वो अपना सही मास्टर बन जाता है। हर एक थॉट के सीड जिसे दिमाग में जाने दिया गया हो या खुद डाला गया हो, वो अपनी जड़ें वहां बनाना शुरू करता है और अपने तरीके के और प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपके थॉट्स आपकी अपॉर्चुनिटी और सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छे थॉट्स अच्छे फल देते हैं और बुरे थॉट्स बुरे फल देते हैं। अच्छे थॉट्स और अच्छे एक्शन कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते। बुरे थॉट्स और बुरे एक्शंस कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप आम के पेड़ उगाएंगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसे मेंटल और मोरल दुनिया में समझते हैं और इसलिए बहुत कम लोग इसके साथ ऑपरेट करते हैं। अब जानते हैं कि हमारे थॉट्स का हमारी हेल्थ और बॉडी पर क्या असर पड़ता है। बॉडी दिमाग का सर्वेंट है, वो दिमाग के सारे ऑपरेशंस को मानता है, चाहे उन्हें सोच समझ के चूज किया गया हो या ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस किया गया हो। गलत थॉट की वजह से बॉडी में बीमारी बहुत तेजी से आती है, अच्छे थॉट की वजह से वो जवानी और सुंदरता से भर जाती है। बीमारी और हेल्थ सर्कमस्टांसेस जैसे थॉट्स में रूटेड हैं। बीमारी के थॉट्स अपने आप को बीमार बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जो लोग बीमारी के डर में रहते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें वही बीमारी होती है। टेंशन पूरी बॉडी को तोड़ सा देती है और उसे बीमारी के लिए खुला छोड़ देती है। स्ट्रॉन्ग, प्योर और खुशी के थॉट्स बॉडी को बिल्ड करते हैं। बॉडी एक डेलिकेट और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत जल्दी थॉट्स पर रिस्पॉन्ड करती है। अब वो थॉट्स अच्छे हों या बुरे, बॉडी तो उन्हीं की तरह से रिस्पॉन्ड करती है। एक साफ दिमाग से एक साफ जिंदगी और साफ बॉडी आती है, एक बुरे और गंदे दिमाग से एक बुरी और करप्ट बॉडी आती है। डाइट में बदलाव उस इंसान को मदद नहीं करेगा जो अपने थॉट्स को नहीं बदलता है।
जब एक इंसान अपने थॉट्स को प्योर करता है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्योर खाने को चाहना छोड़ देता है। साफ थॉट्स साफ हैबिट्स बनाती हैं। ऑथर कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि 96 ईयर्स की हैं और उनके पास ब्राइट और इनोसेंट चेहरा है, बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा। वो ये भी कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो कि मिडिल एज के हैं, लेकिन उनका पूरा चेहरा डल और सुस हो गया है। एक रिजल्ट है स्वीट और अच्छे थॉट्स का, वहीं दूसरा रिजल्ट है डिसकंटेंट का। जैसे आपके कमरे में तब तक साफ हवा नहीं आ सकती जब तक आप खिड़कियों और दरवाजों को ना खोलें और हवा को आने दें, वैसे ही आपके पास एक ब्राइट फेस और स्ट्रांग बॉडी तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप खुशी और गुडविल के थॉट्स अपने दिमाग में ना आने दें। हमारे थॉट्स और पर्पस, जब तक थॉट्स को पर्पस से लिंक ना किया जाए तब तक कोई इंटेलिजेंट अकम्पलिशमेंट है ही नहीं। जिन लोगों के पास जिंदगी में कोई सेंट्रल पर्पस नहीं होता है, वो लोग चिंताओं, डर और परेशानियों में आसानी से फंस जाते हैं, जो कि उनको ना खुशी और लॉस की तरफ लेकर जाता है। एक इंसान को अपने दिल में एक लेजिटिमेट पर्पस को रखना चाहिए और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे इस पर्पस को अपने थॉट्स का सेंट्रल पॉइंट बनाना होगा। ये पर्पस एक स्पिरिचुअल आइडिया हो सकता है या कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, चाहे वो जो भी हो, आपको अपने थॉट्स को उस पर फोकस करना है। आपको इस पर्पस को अपनी सुप्रीम ड्यूटी बनानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और अपना टाइम फालतू की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल और थॉट्स के सही कंसंट्रेशन की रॉयल रोड है। अगर आप उस पर्पस को पूरा करने में फेल भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वही आपकी सच्ची सक्सेस है और आप एक नए पॉइंट से फिर से शुरू कर पाएंगे। अपने पर्पस को डिसाइड करने के बाद उस पर्पस को अचीव करने का आपको मेंटली एक रास्ता बनाना है, ना ही लेफ्ट की ओर और ना ही राइट की ओर। डाउट और डर को पूरी तरीके से हटाना है, क्योंकि वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके एफर्ट्स को तोड़ देते हैं। डाउट और डर से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, वो हमेशा फेलियर तक लेके जाते हैं। पर्पस, एनर्जी और स्ट्रॉन्ग थॉट्स, ये सब टूट जाते हैं जब डाउट और डर आता है। किसी चीज को करने की इच्छा उस नॉलेज से आती है कि हम उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन डाउट और डर नॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो डाउट और डर को जीत लेता है वो फेलियर को भी जीत लेता है। ऐसे इंसान के सारे थॉट्स ताकत से जुड़े हुए होते हैं और सारी मुश्किलों को समझदारी से पार कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट के लिए थॉट्स फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ इंसान अचीव करता है और जो कुछ भी वो अचीव करने में फेल होता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट है उसके थॉट का। एक मन की वीकनेस और स्ट्रेंथ, प्योरिटी और इम्प्योरिटी उसी की है, ना कि किसी और की। ये सब वो खुद लाए हैं, उसकी कंडीशन भी उसी की है, ना कि किसी और की। उसकी सफरिंग और उसकी खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जैसा वो सोचते हैं वैसे ही वो बनते हैं। एक इंसान तभी ऊपर उठ सकता है और अचीव कर सकता है जब वो अपने थॉट्स को ऊपर उठाता है। वो अपने थॉट्स को लिफ्ट ना करके सिर्फ फीट और मिजरेबल ही रह सकता है। यूनिवर्स लालची और झूठे लोगों को फेवर नहीं करता है, भले ही ऊपर से देखने में ऐसा ना लगे, बल्कि सच ये है कि वो अच्छे लोगों की मदद करता है। युगों से सारे टीचर्स ने इसे अलग तरीके से डिक्लेयर किया है और इसे जानने और प्रूफ के लिए एक इंसान को और ज्यादा सच्चा बनना पड़ेगा और अपने थॉट्स को ऊपर उठाना होगा। सारे अचीवमेंट्स, चाहे बिजनेस में हो, इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल दुनिया में हो, सब डायरेक्टेड थॉट्स का ही रिजल्ट है। वो एक ही लॉ में ऑपरेट करते हैं और मेथड भी सेम है, फर्क है तो बस पाने वाली चीज का। अब हम बात करेंगे बुक फ्रॉम पैशन टू पीस के बारे में। सबसे पहले पैशन। पैशन इंसान की जिंदगी का लोएस्ट लेवल है, कोई भी इससे नीचे नहीं जा सकता। लस्ट, गुस्सा, प्राइड, लालच, बदला, झूठ बोलना, चोरी करना, जलना, ये सब पैशन के फोर्सेस हैं। इस अंधेरी दुनिया में गलत लोग जीते हैं और मरते हैं। वो लोग ना ही प्योरिटी की शांति को जान पाते हैं और ना ही उस डिवाइन लाइट की खुशी को एंजॉय कर पाते हैं जो उनके ऊपर हमेशा शाइन करती है। लेकिन समझदार लोग ऊपर देखते हैं, वो पैशन वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं होते, वो शांति की ऊपर की दुनिया की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं। कोई भी पैशन से नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन सब ऊपर उठ सकते हैं इस लोवेस्ट जगह पर जहाँ और नीचे गिरना इम्पॉसिबल है। यहाँ से जो भी आगे जाने का ट्राई करता है वो आगे ही बढ़ता है। ये रास्ता हमेशा हाथों में है और आसानी से एक्सेसिबल है। यहाँ पर उस इंसान ने अपने आप एंट्री कर ली है जिसने मतलबीपन को ना बोल दिया है और जो अपने दिमाग के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। अगर आप बिना पैशन के शुरू करेंगे तो आपके पास कोई भी पावर नहीं होगी। पैशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर पावर को मिसडायरेक्ट किया जाए तो पावर खुशी की बजाय दुख पहुंचाती है। पैशन एक गेट है जो कि स्वर्ग के गेट को गार्ड करता है। वो मूर्ख लोगों के लिए बंद हो जाता है और समझदार लोगों को जाने देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मूर्ख और समझदार लोगों में क्या फर्क होता है? मूर्ख वो है जो अपने थॉट्स का गुलाम है और जो पैशन के इंपल्सिस में फंसा रहता है। समझदार वो है जिसे अपने इग्नोरेंस पता है
जो मतलबी थॉट्स के खालीपन को समझता है और जो पैशन के इंपल्सेस को मास्टर कर लेता है। एस्पिरेशन, अपने इग्नोरेंस को पूरे तरीके से जानने से एनलाइटमेंट की डिजायर आती है और तब दिल में जन्म लेती है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन की विंग्स में इंसान धरती से स्वर्ग में उठता है, इग्नोरेंस से नॉलेज में उठता है, अंधेरे से रोशनी की तरफ मूव करता है। एस्पिरेशन का मतलब स्वर्ग की चीजों को चाहना होता है, जैसे कंपैशन, प्योरिटी और प्यार। और डिजायर का मतलब होता है धरती की चीजों को चाहना, जैसे सेल्फिश पोजीशंस, पर्सनल डोमिनेंस और सेंसल ग्रेटिफिकेशन। जैसे बिना पंख के कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही बिना एस्पिरेशन के कोई भी इंसान अपनी सराउंडिंग से ऊपर नहीं उठ सकता। वो अपने पैशन के गुलाम हैं और इवेंट के बदलने से उनके मन में उथल पुथल होती है। एस्पिरेशन का मतलब है कि एक इंसान अपने लो स्टेटस से डिसेटिस्फाइड है और एक हायर कंडीशन चाहता है। एस्पिरेशन सारी चीजें पॉसिबल करता है, वो एडवांसमेंट और खुशी के सारे दरवाजे खोल देता है। टेम्पटेशन, एस्पिरेशन इंसान को स्वर्ग में लेकर जा सकता है, लेकिन वहां पर रहने के लिए उसे अपने दिमाग को स्वर्ग की कंडीशन की आदत डालनी पड़ती है। टेम्पटेशन यहीं पर काम करता है। टेम्पटेशन का मतलब है एस्पिरेशन से डिजायर पर वापस जाना। ये तब तक एस्पिरेशन को डराता है जब तक कि एक ऐसा पॉइंट नहीं आ जाता जब डिजायर प्योर नॉलेज के पानी में पूरी तरीके से डूब ना जाए। सक्सेसफुली जीतने के लिए एक इंसान के बुरे को बाहर आना होगा और अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, और टेम्पटेशन की वजह से ही एक इंसान का बुरा बाहर आता है। एस्पिरेशन का मतलब होता है कि एक इंसान ने काम से ऊपर उठने के लिए एक स्टेप लिया है और इसलिए वो पीछे भी आ सकता है। इस बैकवर्ड अट्रैक्शन का मतलब टेम्पटेशन होता है। टेम्पटेशन के एलिमेंट्स इम्प्योर थॉट्स में होते हैं। ट्रांसेंडेंस, जब एक इंसान टेम्पटेशन की डार्क स्टेज को पार कर लेता है तब वो एक संत बन जाता है। एक संत वो है जो सेल्फ प्योरिफिकेशन चाहता है, जो सेल्फ प्योरिफिकेशन के रास्ते को समझता है और अपने आप को परफेक्ट करने में लगा रहता है। लेकिन बुरा काम होने और अच्छाई को अंदर लेने की वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब दिमाग में एक नया विजन, एक नई कॉन्शियसनेस और अल्टीमेटली वो एक नया इंसान बनता है। जब ये अचीव होता है तब एक संत सेज बन जाता है, यानी कि वो इंसानी जिंदगी से डिवाइन जिंदगी में पास हो जाता है। वो फिर से जन्म लेता है और उसके लिए एक्सपीरियंस के नए रास्ते शुरू होते हैं। उसके पास एक नई पावर होती है और उसके लिए पूरा यूनिवर्स खुल जाता है। ये ट्रांसेंडेंस की स्टेज है जिसे ऑथर ट्रांसेंडेंट जिंदगी कहते हैं। जब टेंशन, डाउट और परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जब लस्ट और गुस्सा थॉट्स में भरे नहीं होते, जब एक इंसान अपनी हालत के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करता है और जब सारे कंडीशन को अच्छे से समझा जाता है क्योंकि वो कॉजेज का रिजल्ट है, तब ट्रांसेंडेंस पाई जा सकती है। तब लिमिटेड पर्सनैलिटी बाहर आती है, डिवाइन जिंदगी को जाना जाता है और एक इंसान बुरी से ऊपर उठता है और सब में अच्छाई देखी जाती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस इंसान का एक इंटेंसिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये कॉन्शियसनेस की एक नई फॉर्म है। ट्रांसेंडेंट जिंदगी पैशन से नहीं है बल्कि प्रिंसिपल से की जाती है। उसमें एक इंसान इंपल्सेस में फंसा नहीं रहता है बल्कि लॉज का पालन करता है। जब एक इंसान पैशन में इन्वॉल्व होता है तब वो अपने आप को काफी चीजों पर बर्डन करता है, लेकिन एक ट्रांसेंडेंट जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट यूनिवर्सल पर्पस से रिप्लेस हो जाते हैं। बीटीट्यूड, जब डिवाइन अच्छाई प्रैक्टिस की जाती है तो जिंदगी खुशी से भर जाती है। खुशी एक अच्छे इंसान की नॉर्मल कंडीशन है। बाहर के सरकमस्टांसेस, परेशानियां जो कि दूसरे लोगों को सफरिंग लाकर देते हैं, वो उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हैं जिसकी जिंदगी खुशी से भरी है। ह्यूमन वर्च्यू सेल्फ से भरी है इसलिए उसमें दुख है, लेकिन डिवाइन वर्च्यू में से दुख हट जाता है और जिंदगी में सिर्फ खुशी भरी होती है। तो वो कौन से ट्रांसेंडेंट वर्च्यूज हैं जिनके अंदर खुशी और जॉय है? वो हैं इम्पार्शियलिटी, इंसानी दिल और इंसानी एक्शंस में इतना ज्यादा डीपली देखना जिससे एक इंसान की या एक पार्टी के साथ साइड लेना इम्पॉसिबल हो जाए। अनलिमिटेड काइंडनेस, सारे लोगों के लिए, औरतों और क्रिएचर्स के लिए, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, हर वक्त सारे सर्कमस्टांसेस में परफेक्ट पेशेंस से, दिमाग की स्टेनलेस प्योरिटी, इसका मतलब सारे एविल थॉट्स और इम्प्योर इमेजिनिंग से आजादी। पीस, जहां पैशन होता है वहां शांति नहीं है, जहां शांति है वहां पैशन नहीं है। लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन पैशन से चिपके रहते हैं। हेट और प्यार एक ही दिल में नहीं बह सकते। आत्मविजय के रास्ते से परफेक्ट शांति अचीव होती है जिसने ये रियलाइज कर लिया है कि दुनिया का दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर है, कि अनगवर्न्ड थॉट्स, कंफ्यूजन और मुश्किलों का सोर्स है। वो इंसान अपने आप संत के रास्ते पर है। अगर एक इंसान लस्ट और गुस्से को, हेट्रेड और प्राइड को, सेल्फिशनेस और लालच को जीत लेता है तो वो अपने आप दुनिया को जीत लेता है। अब शांति उसी के साथ रहती है। साफ दिल वाले लोगों के पास शांति होती है, वो उनके एक्शन में एंटर करती है फिर उनकी लाइफ में। अब हम बात करेंगे बुक मैन, किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में। आदतें, इसकी गुलामी और इसकी आजादी। इंसान के ऊपर हैबिट्स के लॉ अप्लाई होते हैं तो फिर क्या इंसान फ्री है?
ऑथर कहते हैं, हाँ वो फ्री है, इंसान अपनी जिंदगी और उसके लॉज नहीं बनाता है, वो इटर्नल है, वो उन लॉज को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जीने के लॉज बना सके। इंसान ने एक भी यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया है, वो चीजों के जरूरी प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। इंसान नेचर की वजह से एक हैबिट का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी हैबिट्स को बदल सकता है। वो नेचर के लॉस को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने आप को नेचर के लॉस के अकॉर्डिंग बदल सकता है। कोई भी इंसान ग्रेविटेशन के लॉ को नहीं बदल सकता, लेकिन वो सब अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। वो उसका इस्तेमाल करते हैं, बेंड होकर ना ही इग्नोर करके। कोई भी इंसान ये सोचकर दीवारों पर नहीं चलता कि लॉज उनके लिए बदल सकते हैं, वो नीचे चलते हैं और लॉज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं। साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स फिजिकल फोर्सेस और लॉज को मास्टर करते हैं और उनका पालन करके, वैसे ही एक समझदार इंसान स्पिरिचुअल फोर्सेस और लॉज को मास्टर करता है। जहां एक बुरा इंसान हैबिट का गुलाम है, वहीं एक अच्छा इंसान उसका डायरेक्टर और मास्टर है। तो अब बुरे और अच्छे इंसान में क्या फर्क है? अच्छा इंसान वो है जिसकी थॉट्स और हैबिट्स के अच्छे एक्शंस हैं, बुरा वो है जिसके थॉट्स और एक्शंस बुरे हैं। बुरा इंसान अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करके अच्छा इंसान बनता है, वो लॉ को नहीं बदलता बल्कि अपने आप को लॉस के अकॉर्डिंग बदलता है। हैबिट रिपीटेशन है, इंसान सेम थॉट्स, सेम एक्शंस और सेम एक्सपीरियंसेस को बार बार रिपीट करता है जब तक कि वो उसके अंदर नहीं चले जाते और उसके करेक्टर का पार्ट नहीं बन जाते। सारे इंसान अपनी आदत के सब्जेक्ट हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। ये जानने के बाद समझदार इंसान अपने आप को अच्छी आदतों का सब्जेक्ट बनाता है और खुशी और फ्रीडम से भरी जिंदगी जीता है। वहीं जो बुरी आदतों का सब्जेक्ट बनाता है, उसकी जिंदगी दुख से भर जाती है। इंसान अपनी गलत थॉट्स के अलावा किसी भी ताकत से नहीं बंधा है और इससे वो अपने आप को फ्री कर सकता है। इंसान को अपने इन थॉट्स को उठाना होगा, जैसे मैं नहीं उठ सकता, मैं अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने आप को जीत नहीं सकता। ये सारे नहीं का एग्जिस्टेंस रियलिटी में है ही नहीं, ये बस थॉट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये बुरे थॉट्स हैं जिन्हें हटाना होगा और उनकी जगह मैं कर सकता हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करने होंगे, और ऐसा तब तक करना होगा जब तक पॉजिटिव थॉट्स का एक पेड़ तैयार नहीं हो जाता। हैबिट्स हमें बांधती हैं और वही हमें फ्री करती हैं। हैबिट्स पहले थॉट्स में हैं, बाद में एक्शन में। थॉट्स को बुरे से अच्छा करो और एक्शंस अपने आप फॉलो करेंगे। बुरे थॉट्स को बार बार करते रहो और वो आपको और टाइट बांधते रहेंगे। अच्छे थॉट्स को बार बार करते रहो और वो आपको फ्री कर देंगे। बॉडीली कंडीशंस, बॉडी दिमाग का इमेज है और उसे हम छुपे हुए थॉट्स के फीचर देख सकते हैं। बाहर अंदर की बात मानता है और फ्यूचर के साइंटिस्ट बता पाएंगे कि कैसे मेंटालिटी बॉडी को इफेक्ट करती है। एक बीमार बॉडी से भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि बीमार दिमाग से बॉडी भी बीमार होती है। जो भी अपने आप को इंसान कहता है, उसे अपने बीमार थॉट्स को हटाना होगा। जो भी इंसान ये कहता है कि जो खाना वो खा रहा है वो उसे बीमार कर देगा, उसे इसे बंद करना होगा। धरती के वो फ्रूट्स जिन्हें खाया जाता है, जब एक इंसान भूखा होता है और खाने की खोज कर रहा होता है, उनके बारे में ये इमेजिन करना कि वो सेहत और जिंदगी के लिए हानिकारक है, ये गलत है। इससे हम नेचर और खाने को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। खाने का एक काम है शरीर को सस्टेन और प्रिजर्व करना, ना कि उसे खराब करना। पॉवर्टी, काफी सारे महान लोगों ने अमीरी को छोड़ा और गरीबी को अडॉप्ट किया है, जिससे वो लोग अपने पर्पस को अच्छे से अकम्प्लिश कर सकें। तो फिर गरीबी को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों है जिस गरीबी को महान लोगों ने एक आशीर्वाद माना, उसी गरीबी को लोग अच्छा नहीं मानते हैं? आंसर सिंपल है। एक केस में गरीबी को दिमाग की नोबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसमें से सारा बुरापन निकल जाता है और वो अच्छा और सुंदर दिखने लगता है, और वो अमीरी से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। दूसरे केस में गरीबी को लोग बुरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे शराब पीना, आलसीपन, झूठ बोलना और क्राइम करना। तो बुरा क्या है, गरीबी या पाप? जवाब है पाप। एक बुरा काम करने वाला किसी भी हालत में बुरा करेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब या इन दोनों के बीच में। एक सही काम करने वाला सही करेगा, चाहे उसे कहीं भी रख दिया जाए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश ना होना गरीबी नहीं है। काफी सारे लोग अपने आप को गरीब कहते हैं, लेकिन उनकी साल की कमाई कई लाखों में होती है। वो इमेजिन करते हैं कि वो गरीब हैं, लेकिन उनकी असली प्रॉब्लम लालच है। वो गरीबी से दुखी नहीं है, बल्कि अमीरी की प्यास से दुखी हैं। गरीबी ज्यादातर दिमाग में होती है, ना कि पर्स में। जब तक एक इंसान ज्यादा पैसे की प्यास रखेगा, तब तक वो अपने आप को गरीब कहेगा, और इसी सेंस में वो गरीब है। दूसरी तरफ जो लोग गंदी हालत में रह रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी कंडीशन से सेटिस्फाइड हैं। गंदगी और अनक्लीन सराउंडिंग्स में रहना और उसे सेटिस्फाइड होना सही नहीं है। अगर हम इन लोगों को साफ सराउंडिंग में रहने की इम्पोर्टेंस बताएंगे,
तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। मेन स्पिरिचुअल डोमिनियन, जिस किंगडम पर इंसान को रूल करने के लिए भेजा गया है वो उसका दिमाग और जिंदगी है, लेकिन ये किंगडम यूनिवर्स से अलग नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी पूरे नेचर से जुड़ा है। आज ज्यादातर लोग गलत थॉट्स की मिट्टी में दबे हैं और उनसे बाहर निकलना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। मूर्ख लोग समझते हैं कि सारी चीजें मास्टर की जा सकती हैं और वो खुशी को बाहरी चीजों को बदलकर ढूंढते हैं। बाहरी चीजों को बदलने से कभी भी परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती। समझदार लोग समझते हैं कि रियल मास्टर तब तक नहीं है जब तक खुद को ना जीता जाए। ये लोग बाहरी चीजों को बदलकर खुशी नहीं खोजते, लेकिन इन्हें भगवान की स्ट्रेंथ में खुशी मिलती है। इंसान का स्पिरिचुअल डोमिनियन एक एम्पायर है उन सारे मेंटल फोर्सेस का जिसे नेचर ने उसके अंदर डाला है। काफी समय तक एक इंसान यही सोचता रहता है कि वो बाहरी फोर्सेस का गुलाम है, लेकिन एक दिन आता है जब उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो जिस चीज का इतने टाइम से गुलाम था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अनप्योरिफाइड कैरेक्टर था। उस दिन वो उठता है और अपने स्पिरिचुअल थ्रोन को आगे बढ़ाता है। वो अब डिजायर और पैशन का गुलाम नहीं बना रहता बल्कि उन पर राज करता है। वो उठने से और अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके वो उन लोगों की कंपनी में एंटर करता है जिन्होंने इग्नोरेंस, अंधेरे और मेंटल सफरिंग को पार किया है और असली सच को जाना है। अब हम बात करेंगे चौथी और आखिरी किताब के बारे में, फाउंडेशन स्टोन टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, राइट प्रिंसिपल्स। ये जानना सही है कि पहले क्या आता है और पहले क्या करना है। किसी भी चीज को बीच में से शुरू करना बेकार है। वो एथलीट जो कि टेप को ब्रेक करके शुरुआत करता है उसे कभी प्राइज नहीं मिलेगा, उसे स्टार्ट से शुरू करना होगा। छोटा बच्चा एलजेब्रा और लिटरेचर से शुरू नहीं करता बल्कि वो काउंटिंग और एबीसी से शुरुआत करता है। पहली चीज जो एक अच्छी और सक्सेसफुल जिंदगी के लिए जरूरी है वो है सही प्रिंसिपल्स। बिना सही प्रिंसिपल के शुरू करने की वजह से आपके पास गलत प्रैक्टिसेस होंगे और एंड में एक बुरी जिंदगी होगी। तो यहाँ पर पांच प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ऑथर सबसे जरूरी मेंशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी का मतलब अपने काम के ऊपर ध्यान देना और किसी और के काम में धकल ना देना है। जो इंसान दूसरों को बताता रहता है कि कैसे मैनेज रहें, वही सबसे ज्यादा मिसमैनेज इंसान होता है। ड्यूटी का भी यही मतलब है, जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं उस पर पूरा टेंशन देना। ऑनेस्टी, सच्चाई अगला प्रिंसिपल है। इसका मतलब है किसी को धोखा ना देना और ज्यादा पैसे चार्ज ना करना। इसका मतलब है झूठ का ना होना। इसके अंदर सिंसियरिटी भी आती है, इससे अच्छी रेपुटेशन बनती है और अच्छी रेपुटेशन अच्छा बिजनेस बनाती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी तीसरा प्रिंसिपल है। इसका मतलब है एनर्जी को बचाना, सेल्फ इंटेलिजेंस और सेंसुअल हैबिट्स को अवॉइड करके। इससे स्ट्रेंथ और अचीव करने की कैपेसिटी मिलती है। जो इसे अच्छे से सीख लेते हैं उसे बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। लिबरलिटी, लिबरलिटी इकोनॉमी को फॉलो करती है, ये इसके अपोजिट नहीं है। इकोनॉमी का इंसान ही जनरस रह सकता है। पैसे देना लिबरलिटी का बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके अंदर थॉट्स, डीड्स, गुडविल का देना भी आता है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने दुश्मनों के साथ भी सही बिहेव करना चाहिए। ये प्यार को पास लाता है और ये अकेलेपन का दुश्मन है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आखिरी प्रिंसिपल है लेकिन सबसे जरूरी है। इसको इग्नोर करने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑथर कहते हैं उन्हें वो बिजनेसमैन दिखा दो जो कि कस्टमर के साथ किसी बात पर अपने टेंपर को खो देते हैं, और वो आपको ऐसा इंसान दिखाएंगे जो कि दिमाग की इस कंडीशन की वजह से जरूर फेल होगा। अगर सारे लोग सेल्फ कंट्रोल के इनिशियल स्टेप्स को भी प्रैक्टिस करेंगे तो गुस्से जैसी कोई चीज नहीं होगी। पेशेंस, प्योरिटी, जेंटलनेस, काइंडनेस के लेसन जो कि सेल्फ कंट्रोल के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक इंसान धीरे धीरे करके सीखता है। और जब तक एक इंसान इन्हें सीख नहीं लेता तब तक उसका कैरेक्टर और सक्सेस इनसिक्योर है। कहाँ है वो इंसान जिसने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में परफेक्ट कर लिया है? वो जहां भी हो वो एक मास्टर है। साउंड मेथड्स, जब इन पांच प्रिंसिपल को सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया जाता है तब साउंड मेथड इश्यू होते हैं। एक मशीन जिसके सारे पार्ट ठीक हैं वो सिर्फ काम की नहीं है बल्कि गर्व करने वाली चीज है, लेकिन जब उसके पार्ट गियर से बाहर हो जाते हैं और एडजस्ट नहीं होते हैं तब उसकी यूजफुलनेस चली जाती है और उसे फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से एक जिंदगी जिसके सारे पार्ट ठीक से एडजस्ट हैं वो सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि एक गजब और सुंदर चीज है। वहीं दूसरी तरफ एक जिंदगी जो कि कन्फ्यूज्ड और इनकंसिस्टेंट है वो एक वेस्टेड एनर्जी का एग्जीबिशन है। अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो उसके अंदर मेथड लाना होगा और उसकी सारी डिटेल्स को रेगुलेट करना होगा। जो समझदार और मूर्ख इंसान का सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि समझदार इंसान छोटी से छोटी चीजों पर अटेंशन देते हैं, वहीं मूर्ख इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस बुक को खरीदकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप हमारी बुक समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या किसी और बुक समरी को ढूंढने के लिए सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमारी समरीज किताबें नाम से अवेलेबल है, जिसे रिसेंटली इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ। थैंक यू सो मच।